मूवीज़ देखना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है। और थिएटर कभी कभी तो मैं खाली जाके थिएटर में बैठ जाता हूँ और खुद को अज्यूम करता हूँ बड़ी स्क्रीन पे। जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। Hi, my name is Samarth Jarel and we're gonna do the segment This or That. TVs or web series? वेब सीरीज नाउ डेज, बिकॉज ओ टी टी का ज़माना है एंड बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है, सो मैं वेब सीरीज ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिग बॉस और लॉकअप? बिग बॉस, बिग बॉस बिकॉज मैंने ज़्यादा देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं बिग बॉस। लॉकअप का मैंने कुछ देखा था, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आया था कि एक ही जैसे कपड़े पहन के कौन घूमता है। मेरी फ्रेंड भी थी उसमें बाय द वे एंजेली अरोरा, तो मैंने कभी कभी देखा था थोड़ा बहुत एपिसोड्स। सलमान खान और शाहरुख खान? अब शाहरुख के दीवाने हम तो, यार शाहरुख का ना जादू चढ़ चुका सब पे। ऑफकोर्स सलमान का अलग ही स्वैग है, बट आई लव शाहरुख। इंस्टाग्राम रील और म्यूजिक एल्बम्स? इंस्टाग्राम रील्स पता है कम टाइम में बन जाती है और वायरल भी हो जाती है, ऑडियंस भी मिल जाती है, तो रील्स ही बेटर है। फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेज? फ़ोन कॉल, पता है मैं जिससे जो भी जिनको जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ, मेरे मॉम डैड, मैं ज़्यादा टेक्स्ट करता नहीं हूँ उन लोगों को, फ़ोन ही कर देता हूँ डायरेक्ट। सो फ़ोन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पार्टी वाले पर्सन या फिर घर पे रहने वाले पर्सन? घर पे पार्टी करने वाले पर्सन। घर पे जो पार्टीज होती है ना 10-11 बजे तक बैठे हैं सबके साथ, गाने चल रहे हैं, डांस करता हूँ, बहुत करता हूँ, उसमें मज़ा है। सी साइड और माउंटेन? माउंटेन्स, वादियों में घूमने का मज़ा ही अलग है, और वो भी अकेले, पता है अकेले घूमने का मज़ा ही अलग है। गाने चलाओ, केदारनाथ के कोई भी गाने चला लो। जान सार है। गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड्स? गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड तो फिर वो लड़की अगर बेस्ट फ्रेंड है तो समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड ही है, फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ओके, ह्यूमन और एनिमल्स? देखो मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, मेरे पास 3 डॉग हैं ना, एक का नाम है रेंचो, एक का नाम है बब्बी और एक का नाम है गोगो। तो मुझे डॉग्स तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो मुझे डॉग्स ज़्यादा पसंद है एनिमल्स। ओके, ट्रैवलिंग और स्लीपिंग? स्लीपिंग, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है नहीं सोने को, है ना, जितना टाइम मिलता है उसमें शूट करता हूँ, या तो मैं बिजी रहता हूँ, या तो जिमनास्टिक क्लास चलेगा या फिर क्रिकेट खेल लिया, तो जितना टाइम फ्री का मिलता है ना मैं फिर सोऊंगा। मॉल शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग? मॉल शॉपिंग, मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा बिलीव करता नहीं, मैंने 2-3 बार ऑर्डर किया है एंड बहुत अच्छी अच्छी जगहों से किया है, बट फिर वो मेरे साइज़ का मिलता नहीं है। मेरा लोअर बॉडी अलग है, अपर बॉडी अलग है, तो मेन वो वहाँ पे मैं फंस जाता हूँ। ओके, यू स्पेंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप? आई थिंक 50-50। व्हाट्सएप पे मेरी होती रहती है ज़्यादा, काम को रिलेटेड बातें होती रहती है, यानी इंस्टाग्राम तो चला लेते हैं फन के लिए, कभी टाइम मिल गया तो रील्स पे स्क्रॉल कर लिया, दैट्स इट। टी और कॉफ़ी? मॉर्निंग स्टार्ट विथ? मैं कुछ भी नहीं पीता है, मैं सच बताऊँगा ना, तो मैं टी पीता हूँ, वो जनरेशन का मैं हूँ नहीं, आई एम 22 एंड कॉफ़ी भी बहुत रेयरली, ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ बहुत कभी कभी, रात का शिफ्ट हो जाता है 2-3 बजे तो मैं पी लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। पिज्ज़ा और पास्ता? पिज्ज़ा, मैंने कल ही पिज्ज़ा खाया, मैंने एक स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड खाई और गोल्डन कॉर्न खाया, मेरे फेवरेट है। एंड्रॉयड और आईफोन? आईफोन कितने टाइम से आईफोन यूज़ कर रहा है, आई थिंक 4th-5th फोन है मेरा, मैं ज़्यादा फोन्स बदलता हूँ नहीं, मेरे पास अभी XR है, वो कौन सा था, आईफोन XR, तो मैं ज़्यादा फोन्स बदलता हूँ नहीं, सिंपल है आईफोन का, ज़्यादा कुछ है नहीं सिस्टम, तो मेरे घर में सबके पास आईफोन ही है। ओके, मूवी एट होम और मूवी इन थिएटर? मूवी इन थिएटर्स, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मूवीज़ देखना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है, और थिएटर कभी कभी तो मैं खाली जाके थिएटर में बैठ जाता हूँ और खुद को अज्यूम करता हूँ बड़ी स्क्रीन पे कि यार मैं भी देखूंगा कभी, तो वो उसकी बात ही अलग है, थिएटर सिनेमा की बात ही अलग है, चाहे कोई भी मूवी हो। मैं कितनी बार तमिल मूवी देखने गया हूँ जब समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि मूवीज़ रिलीज ही नहीं हो रही थी बीच में लॉकडाउन के बाद, तो तमिल मूवी रिलीज हुई तमिल में जाके देख ली। ओके, योगा और जिम? जिम का अभी मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, पता है बहुत टाइट स्केड्यूल चल रहा है अभी कट टू कट, बट मैं स्टार्टिंग से एथलीट रहा हूँ, क्रिकेट खेलता था मैं बचपन से, तो मेरी एथलीट बॉडी रही है, तो वर्कआउट करना मुझे ज़्यादा पसंद है बजाय योगा के। लॉन्ग हेयर्स और शॉर्ट हेयर्स? बड़े बाल पसंद है मुझे, मेरे डैड के भी बहुत बड़े बाल हैं अनिल कपूर जैसे, बट अभी नहीं हो पाता है, ज़्यादा बड़े बाल रख पाते नहीं हम, मुझे कभी कभी तो ये टीम बोलती है मैथ्री की कि बाल कलर भी करवा लो, तो मैं एक बार कलर करवा के भी आया, बट मेरे बाल एक हफ्ते में वापस सेम गोल्डन हो गए एंड मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे बाल, थोड़े से डस्टी लुक देते हैं। मुंबई और दिल्ली? बॉम्बे एक बहुत ही मेरी फेवरेट जगह रही है बचपन से ही, कभी भी टाइम मिलता है तो मैं मरीन ड्राइव पर जाके बैठ जाता हूँ और सूरज को ढलते हुए देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, और वो गाना भी गाता हूँ मैं, अमिताभ बच्चन का है ना, कौन सा है, रिम झिम गिरे सावन, बारिश होती रहती है, बड़ा मज़ा आता है। ओके, सिंगिंग और डांसिंग? डांस मुझे आता नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं ठीक ठाक, बट मैं दिल खोल के करता हूँ और गाना भी गा लेता हूँ, तो ऐसा सच कुछ है नहीं। तो कोई एक गाना अपने दर्शकों के लिए? जब मैं गाना गा दूंगा 1-2 लाइन, बाकी मेरे को आता नहीं है ना, हंसना मत फिर, ठीक है।
रहा ना मेरे काम का जग सारा, हाँ बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। सो नाइस। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को यार मैं ये बोलना चाहूँगा कि बस देखते रहो आप यार, कि कहाँ से अभी अभी मैं 22 का हूँ ना, 28 तक देखोगे आप और खुद ही बोलोगे कितना इम्प्रूवमेंट है यार ये बच्चे में। ये मैं उन फैंस को बोल रहा हूँ जो 35 के ऊपर वाली हैं, जो घर में बैठ के लेडीज है ना वो देखती हूँ। थैंक यू सो मच। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।